हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बाने से को सिर्फ एक मिनट में वेरीफाई करके दिखाऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए। सिर्फ एक ओटीपी से, बगैर फेस, बगैर फोटो, कोई चीज आपकी, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको एक ओटीपी की जरूरत पड़ेगी, बस आपका बायनेंस वेरीफाई होगा। इसलिए बायनेंस अकाउंट क्रिएट करने के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि जो लोग आईडीए यूज करते हैं, अगर उनका पहला अकाउंट फ्रीज हो गया तो आप जब वो दूसरा अकाउंट बनाते हैं तो उनको विड्रावल के लिए बायनेंस की जरूरत पड़ती है। तो अगर उनका सिर्फ बायनेंस एक ही बार वो वेरीफाई कर चुके हैं, उनके आधार पे एक ही बार सिर्फ बायनेंस बनेगा और वो आईडी सिर्फ एक ही, आप दूसरे आईडी पे आप पुराना बायनेंस ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बायनेंस के बारे में बहुत जानकारी ली कि बायनेंस को कैसे एक मिनट में, मतलब बायनेंस को कैसे बहुत आसानी से हम क्रिएट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप मेरी वीडियो के जरिए आप सिर्फ एक मिनट में अपने बायनेंस को वेरीफाई कर सकते हैं, बगैर फेस दिखाए, बगैर कुछ किए। सिर्फ आप किसी का आधार ले लीजिए, अपने फैमिली मेंबर, कोई भी आपका फैमिली मेंबर हो, सिर्फ आप उनका आधार ले लीजिए। और आजकल आम बात है कि सबका आधार मोबाइल नंबर से लिंक है, तो मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, बस वही ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा और आपका अकाउंट वेरीफाई। चलिए फिर वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं। मैं बहुत वीडियो बना के डालता हूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज ऐसा मत करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर बताता हूं कि आप बायनेंस अकाउंट को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। सीरियस रिलेटिव आईडिया की सारी अपडेट मैं इसी चैनल पर शेयर करता रहता हूँ और आने वाले दिन में मैं इस पर माइनिंग का ऐप भी बताने वाला हूँ, जिससे आप बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते बिना इन्वेस्ट किए हुए। तो चलिए फिर मैं बताता हूँ कि बायनेंस को वेरीफाई कैसे करना है। जब आप बायनेंस क्रिएट करेंगे तो आपको रेफर आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में रेफर आईडी आपको मिल जाएगी, इसे लेके बायनेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप बायनेंस पे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, मैं स्क्रीन पे देता जा रहा हूँ, आप सिंपली इसको फॉलो करते जाइए, आपका बायनेंस एक मिनट में पूरा वेरीफाई करके दिखा दूंगा। तो जब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखे तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल, इस पर सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, जब आपका लॉगिन हो जाएगा जीमेल से, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जो रेफर आईडी मांगेगा। आप रेफर आईडी डाल देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी है। क्रिएट होने से कुछ नहीं होता जब तक आपकी आईडी वेरीफाई ना हो। तो वेरीफाई करने के लिए आपको वेरी नाउ पे करना पड़ेगा। वेरीफाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहाँ सिंपली अपनी कंट्री चूज कर लेंगे, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री को चूज करके आप कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे यही पे सबसे मेन टॉपिक है, जब आप लोग आईडीए बनाते हैं, जब आप लोग बायनेंस को वेरीफाई करते हैं तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन पे सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं। तो मैं सेकेंड ऑप्शन से नहीं, मैं फर्स्ट ऑप्शन से आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑप्शन बहुत आसान है। तो कुछ लोग है सेकेंड ऑप्शन से चूज करते हैं तो उनको फेस कैप्चर करवाना पड़ता है और उस पर बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं पहले ही प्रोसेस से आपको बताता हूँ। जब आप वेरीफाई आधार विद ओटीपी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो आपको सिंपली यहाँ आधार नंबर अपना डाल देना है, उसके बाद जो कैप्चर कोड दिया गया है वो डाल देना है। जब आप उसको डाल के कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे बहुत मेन टॉपिक है, बहुत मेन पॉइंट है। हाँ, इतना याद रहे कि आपका आधार किसी भी मोबाइल नंबर से लिंक हो और वो नंबर आपके पास हो, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा। जब ये आपका फेस नहीं लेगा तो ओटीपी जरूर मांगेगा। तो ओटीपी आप यहाँ डाल देंगे तो आपको सिंपली यहाँ अपना पिन डालना है, जो बायनेंस का आप पिन बनाना चाहते हैं, आप यहाँ अपना पिन डाल के कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा कि आपका बायनेंस वेरीफाई होगा। सिंपली सिर्फ एक मिनट में, एक मिनट भी नहीं लगेगा, आपका बायनेंस वेरीफाई, एक ओटीपी से और आधार नंबर से आपका बायनेंस वेरीफाई हो गया। देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना बायनेंस सिंपली सिर्फ एक मिनट में वेरीफाई कर सकते हैं। एक मिनट में कहीं आपको ना आधार का फोटो देना है, ना अपना फेस दिखाना है, ना अदरवाइज, बहुत ऐसा प्रोसेस है बायनेंस का अकाउंट क्रिएट करने के लिए, बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि सिर्फ एक ही मिनट में आप अपना बायनेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हो
कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।